हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज क्या है स्पेशल? तो आज स्पेशल टॉपिक है किड्स के बारे में अगेन। सो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ बच्चों के बारे में कुछ चीज़ें। तो मेरा आज का टॉपिक है फाइव गुड फूड्स फॉर किड्स या फिर फाइव पावर फूड्स फॉर किड्स। सो अच्छा खाना और पावरफुल खाना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए। और जितना ज़्यादा हो सके वी शुड अवॉइड ओवर प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड। यस फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे ओवर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, प्लीज़ आज अभी इसी वक्त उसे स्टॉप कर दें। बच्चों के हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आजकल हेल्थ में कितना सारा अप्स एंड डाउन्स है, बहुत सारे बच्चे ओबेसिटी को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशंस एंड आयरन को फेस कर रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं ओवर प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड्स का नतीजा है। तो फ्रोजन फूड, ओवर प्रोसेस्ड फूड एंड फास्ट फूड्स, इमीडिएट इंस्टेंट फूड, ये सब कुछ बच्चों के लिए इमीडिएटली स्टॉप कर देना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हमें बिल्कुल भी बच्चों को ये नहीं देना चाहिए। और आज का फाइव पावर फूड क्या है वो आपको बताती हूँ। तो पहला है कैल्शियम। तो हमें बच्चों को कैल्शियम ज़रूर देना चाहिए, स्पेशली जब बच्चे 4 से 8 साल के बीच में होते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। एज़ पर लेटेस्ट जो हमारा रिसर्च है उसमें भी ये बताया गया है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। सो आप दूध इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम के लिए। कैल्शियम जो होता है हमारे बोन मास को डेवलप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो कैल्शियम इसलिए बच्चों को बहुत ज़रूरी है। 4 to 8 के बीच में बच्चों की ग्रोथ बहुत फास्ट होते हैं, 4 to 8 एज के बीच में। तो जितना ग्रोथ फास्ट होता है उनका बोन मास उतना ही जल्दी डेवलप होता है, उनके बोन स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए उसके लिए हमें कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। और कैल्शियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए लेटर इन लाइफ। अगर आपका बोन वीक है, विमेन हो या मेन हो, लड़का हो या लड़की हो, आगे चल के फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं अगर आपके बोन में कैल्शियम की कमी है। तो जितना हो सके बच्चे क्या, हमें खुद को भी कैल्शियम से भरपूर मेंटेन रखना चाहिए। ओवर कोई भी चीज़ बुरी है फ्रेंड्स, तो ओवर बिल्कुल ना लें, बट उतना ज़रूर लें जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है, जितना रिक्वायरमेंट है। सो चलिए कुछ बताती हूँ, कुछ टिप्स जो कि बेस्ट सोर्स है कैल्शियम के लिए। पहला है चीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, चीज़ बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। किसी भी तरह का चीज़ दे, मोज़रेला, चेदार या जो भी आपके बच्चे को पसंद आता है, बहुत ज़्यादा चीज़ ना दे। और प्रेफर करें कि लो फैट चीज़ दें या ज़ीरो फैट चीज़ दें अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो। और अगर लो फैट चीज़ अवेलेबल नहीं है तो बहुत थोड़ा सा चीज़ लाइक पास्ता में या ब्रेड के साथ सैंडविच में थोड़ा सा आप डाल के दे सकते हैं। ओवर मत दीजिएगा क्योंकि चीज़ थोड़ी फैटी होती है। अगेन जहाँ मैंने कहा लो फैट, अगर लो फैट मिलता है तो वेल गुड, नहीं मिलता है तो थोड़ा सा सर्व ज़रूर करें पर ज़्यादा ना करें। उसके अलावा हमारा गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है योगर्ट, दही, दूध, ये हम सब जानते हैं। और सीरियल्स, आजकल बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं जिसमें कि अच्छा कैल्शियम मिलता है। और जूस, जी हाँ, जूस में कैल्शियम होता है लेकिन अगेन प्रोसेस जूस नहीं, मार्केट का पैक जूस नहीं, घर में बना हुआ फ्रेश जूस, तो उसमें कैल्शियम मिलेगा आपको। और आप आलमंड मिल्क या सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। तो आलमंड मिल्क और सोया मिल्क में भी थोड़े बहुत कैल्शियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड फूड जो कि बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, वो है विटामिन ई। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन ई। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि 80% किड्स जो कि अंडर एट होते हैं, जो प्री स्कूल में है, उनको मोस्टली विटामिन ई का नीड होता है डेली बेसिस पे, पर हम उतना उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो जो ये एज है ना 4 to 8, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है फ्रेंड्स। इस एज में ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और बच्चों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो खेलते हैं, कूदते हैं, पूरे एक्टिव रहते हैं और साथ में उनके नए स्कूल से स्टार्ट होते हैं, बहुत सारा ब्रेन वर्क्स होता है, तो बहुत सारी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रही थी कि 4 to 8 एज में आप उन्हें इन चीज़ों को प्रोवाइड ज़रूर करें। तो विटामिन ई भी एक उसमें सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए।
सो विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई जो सोर्स है फ्रेंड्स, वो हमारे सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का वो सोर्स है, तो विटामिन ई बहुत ही ज़रूरी है। बट एक चीज़ होता है, जैसे कि हम जो लो फैट फूड खाते हैं उसमें नॉर्मली विटामिन ई की कमी होती है, तो जब आप लो फैट फूड खा रहे हैं तो आपके अंदर विटामिन ई उतना नहीं जा पाता, इसलिए हमें विटामिन ई अलग से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, वो हमारे सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चों के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें विटामिन ई प्रोवाइड करें। सो प्रोडक्ट कौन कौन सा सोर्स है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है जिससे आपको विटामिन ई मिल सकता है, उसमें आपको मिल्क है, योगर्ट है, क्योंकि वो लो लोअर फैट है, सैचुरेटेड फैट उसमें लो होता है, तो उसमें विटामिन ई की कमी होती है थोड़ी बहुत, पर थोड़ा बहुत मिल जाता है। बट द गुड सोर्स, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है एविकाडो। जी हाँ, एविकाडो एक फ्रूट है जिसमें कि बहुत अच्छा विटामिन ई का सोर्स है। नट्स, नट्स में जैसे आलमंड हो गया, पेकन हो गया, जो भी हमारे नट्स के अलावा हम पीनट बटर दे सकते हैं। पीनट बटर में भी अच्छा सोर्स होता है विटामिन ई का, बट कुछ लोग पीनट बटर से एलर्जी होता है, एलर्जिक होते हैं, सो वो लोग अवॉइड करें पीनट बटर। बाकी जिन्हें एलर्जी नहीं है वो अपने बच्चों को पीनट बटर जरूर दें, बहुत ही अच्छा है पीनट बटर। सनफ्लावर सीड्स, हम बहुत सारे सीड्स खा सकते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स है, पम्पकिन का सीड्स है, अच्छा रोस्ट करके खाया जा सकता है, जैसे हम नॉर्मल नमकीन खाते हैं उस तरीके से। सो सनफ्लावर सीड को आप खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं खाने के लिए, बिल्कुल रोस्ट करके हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दीजिए या हनी में उसको ग्लेज कर दीजिए, और ग्लेज करके फिर आप उसको दीजिए, तो उस तरीके से भी आप दे सकते हैं। और टमाटो, टमाटो का सॉस जो है वो अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। और उसके अलावा हम स्पिनिच, स्पिनिच में आयरन के साथ विटामिन ई भी पाया जाता है, तो ये कुछ सोर्स थे विटामिन ई के जो बहुत ज़रूरी है बच्चों को देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट फूड, वो है फाइबर्स। हम सबको पता है फाइबर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और फाइबर्स हमारे स्टमक के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आपको बताती हूँ फाइबर्स की कुछ अच्छी चीज़ें उसके बारे में। तो फाइबर जहाँ तक है इट्स नॉट इवन डाइजेस्टेड एक्चुअली, बट ये बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि ये फिल का फूलिंग देता है, आई मीन जो फीलिंग फाइबर्स, अगर आप अच्छा अच्छा फाइबर्स खाते हो तो आपको स्टमक फुल लगता है, तो स्टमक फुल होने की वजह से, वो फुल फीलिंग की वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते हो, या आप जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ऐसे भूख लगे और खाने का जो हैबिट होता है वो नहीं करते हो, तो हम ओवर वेट नहीं होते हैं। तो बच्चे ही नहीं बड़ों को भी चाहिए कि फाइबर्स का जो क्वांटिटी है हमारे खाने में वो ज़्यादा रखें, जिससे कि हमारा पेट कम खाने से भर जाए और हम ओवर ईटिंग ना करें और उसकी वजह से ओवर वेट ना हो। फाइबर ऑब्वियसली क्योंकि हमें ओवर ईटिंग से बचाता है, ओवर वेट से बचाता है, और ओवर वेट होने की वजह से और क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं उससे भी बचाता है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि इट्स हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, आवर आवर लाइक लाइफ स्टाइल। तो इट्स अ प्रोटेक्शन, यू शुड ईट, यू शुड टेक फाइबर्स इन योर डाइट, तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। और बच्चों को फाइबर्स अच्छा हो अगर बॉडी में, तो कहीं ना कहीं जर्म्स जो होते हैं ना, जर्म्स से भी बच्चों को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। मैंने एक जगह पढ़ा था एक रिसर्च में कि फाइबर फाइबर जो है प्रोटेक्ट करता है बच्चों को जर्म्स से फाइट करने के लिए, तो उनको स्ट्रांग बनाता है, तो हमें फाइबर्स ज़रूर अपने डाइट में रखना चाहिए। और फाइबर्स के लिए एज ऐसा कुछ नहीं है, अगेन 4 टू टिल आप
जब तक हो तब तक फाइबर्स लेना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो बच्चे जो हैं 4 to 10, 4 to 8 जो एज है, वैसे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज होता है उनके ग्रोथ के लिए, और बहुत जल्दी सारे ग्रोथ होते हैं। उसके अलावा जो एल्डर्स हैं, जो एडल्ट हैं, वो भी इसे इंक्लूड करें अपने डाइट में। तो इट्स नॉट ओनली फॉर किड्स, इट्स फॉर एडल्ट्स टू, कि हम अपने डाइट में फाइबर्स को इंक्लूड करें। तो आप बच्चों की जहाँ तक बात हो रही थी, तो बच्चों के लिए फाइबर्स कैसे कर सकते हैं? बच्चे ब्रेड खाना पसंद करते हैं, तो आप उन्हें होल ग्रेन ब्रेड दें। होल ग्रेन्स ब्रेड में अच्छा फाइबर होता है, क्योंकि उसमें ग्रेन्स होते हैं, और जितना ज़्यादा आप ग्रेन्स खाओगे उतना हाई फाइबर आपको मिलेगा। तो बच्चों को ग्रेन्स खिलाएं, होल ग्रेन का ब्रेड खिलाएं या होल ग्रेन की रोटी खिलाएं, और स्ट्रॉबेरीज दे सकते हैं, हाफ कप ऑफ ब्राउन राइस ऐड कर सकते हैं उनके डाइट में। ब्राउन राइस में भी अच्छा फाइबर होता है, क्योंकि वो इजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता। तो उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कुछ और अच्छे सोर्स फाइबर के, वो है फ्रूट्स में रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, पेयर, ऑरेंजेस, एप्पल, ये कुछ हैं जिसमें कि अच्छा फाइबर पाया जाता है। हाई फाइबर सीरियल्स दे सकते हैं, कुछ सीरियल्स होते हैं जिसमें हाई फाइबर होता है। बीन्स, बीन्स में बहुत अच्छा फाइबर होता है, बच्चों को ग्रीन बीन्स जरूर देना चाहिए। सिर्फ फाइबर ही नहीं, उसमें बाकी के भी न्यूट्रिशंस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो उनको फुलफिल होता है बीन्स देने से। तो बीन्स दें, ग्रीन बीन्स दें, नॉर्मल बीन्स दें, बीन्स इन द सेंस लेंटिल्स, लेंटिल्स की बात करें, जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, चने हो गए, तो लेंटिल्स भी उसको प्रोवाइड करें। चिक पीस दें, चिक पीस में भी बहुत अच्छा फाइबर पाया जाता है। होल ग्रेन ब्रेड एंड पास्ता, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप होल ग्रेन का बना हुआ ब्रेड या होल ग्रेन का पास्ता दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे हैं। तो इसे उसी टाइप का आइटम्स बता रही हूँ जो बच्चे खा सके, जो खाना पसंद करते हों। ओट्स मील दीजिए बच्चों को, पॉपकॉर्न दे सकते हैं, पॉपकॉर्न में भी अच्छा फाइबर होता है, लेकिन मेक श्योर कि पॉपकॉर्न आप घर पे बनाएं, क्योंकि बाहर में बहुत सारे कॉर्न अच्छे नहीं होते या किस तरीके से बने होते हैं उसका कह नहीं सकते, तो इस बेटर आप उसके घर पे बनाएं। कुछ नट्स में भी फाइबर अच्छे होते हैं, आप नट्स भी दे सकते हैं। फ्लेक्सीड्स बच्चों को दीजिए, फ्लेक्सीड्स को ग्राउंड करके बच्चों को ऐसे राइस में डाल के या दाल में डाल के खिला सकते हैं। स्वीट पटैटोज, जो स्वीट पोटैटोज, जो मीठी वाली आलू आती है, स्वीट पोटैटोज दे सकते हैं बच्चों को, उसमें भी फाइबर होता है, अच्छा हाई फाइबर होता है। और जैसा कि मैंने बोला, ग्रीन पीज बीन्स बताया था, और ग्रीन पीज में भी अच्छा फाइबर होता है, तो बच्चों को ग्रीन पीज भी प्रोवाइड करें। तो चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ आइटम की तरफ, वो क्या है? वो है पोटेशियम। जहाँ तक हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पोटेशियम एक अच्छा की प्लेयर होता है हमारे हेल्दी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। ये हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होती है उसे हेल्दी बना के रखने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। एक बैलेंस, हमारे हेल्थ को बैलेंस बना के रखने के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए, और हमारे मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको बैलेंस रखने के लिए हमें पोटेशियम की बहुत ज़रूरत है। तो बच्चे तो बढ़ते बच्चे होते हैं, उनका मसल्स भी ग्रो होता है, तो उसके लिए बहुत ही सो फ्रेंड्स, तो पोटेशियम हमें किन किन चीज़ों में मिलता है, चलिए कुछ सोर्स ऑफ पोटेशियम आपको बताती हूँ। तो आप सबको पता होगा पिस्ता, जो कि नट्स में आता है, पर पिस्ता में बहुत अच्छे अमाउंट में पोटेशियम पाया जाता है, तो बच्चों को पिस्ता ज़रूर खिलाएं नट्स में। और बच्चों को एप्रिकॉट्स दें, ड्राइड एप्रिकॉट्स, आपको मार्केट में इजीली ड्राइड एप्रिकॉट्स मिल जाएगा। जो एप्रिकॉट्स के जब सीज़न आते हैं उन्हें सुखाकर उसमें थोड़ा सा हनी में डिप करके वो ड्राई एप्रिकॉट्स बनाया जाता है। आप डायरेक्ट एप्रिकॉट भी अगर अवेलेबल हो आपके पास मार्केट में, तो आप उन्हें डायरेक्ट फ्रूट होता है एप्रिकॉट वो खिला सकते हैं, या ड्राइड एप्रिकॉट आपको मिल जाएगा वो खिला सकते हैं, उसमें भी पोटेशियम पाया जाता है। और सबसे ईजी सोर्स ऑफ पोटेशियम है बनाना, जी हाँ, केला, केला बनाना, उसमें भी बहुत अच्छा पोटेशियम पाया जाता है, वो फुल ऑफ पोटेशियम होता है, तो बहुत ही अच्छा सोर्स है बनाना, जो कि ईजिली अवेलेबल है। अगेन थोड़ा सा पोटेशियम हमें ऑरेंज में मिलता है, ऑरेंज जूस में मिलता है, और स्वीट पोटैटोज में भी पोटेशियम पाया जाता है, और वाइट पोटैटोज में भी पोटेशियम पाया जाता है। ब्राउन पोटैटोज में इतना पोटेशियम नहीं पाया जाता जितना वाइट एंड स्वीट पोटैटो में पाया जाता है।
उसके अलावा हमें थोड़ी बहुत पोटेशियम की मात्रा हमारे दही से भी मिल सकती है, तो दही बच्चों को दे, दही से आपको कैल्शियम भी जाता है और दही से आपको पोटेशियम का भी अमाउंट जाता है बॉडी में, और मिल्क, मिल्क से भी कैल्शियम जाता है और मिल्क में पोटेशियम भी पाया जाता है। उसके अलावा आप बच्चों को ड्राइड एप्रिकॉट्स बताया और टमाटोज, अगेन टमाटोज में भी थोड़े बहुत पोटेशियम पाए जाते हैं, तो बच्चों को टमाटर ज़रूर खिलाएं, टमाटर का सॉस बना के, टमाटर की चटनी बना के या टमाटर सैलेड में, बट प्रेफर करें कि रॉ टमाटोज कम खिलाएं, उन्हें कुक वे में टमाटोज खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा हम बच्चों को फिश दे सकते हैं, कुछ टाइप की फिश होती हैं जिनमें कि पोटेशियम्स पाया जाता है। तो ये थे कुछ सोर्स ऑफ पोटेशियम। चलिए अब आती हूँ मेन हमारा लास्ट फिफ्थ वन जो कि है आयरन। तो आयरन के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ फ्रेंड्स कि आयरन अगर आप बच्चों को बहुत ज़्यादा मिल्क दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं पीने के लिए, और खाने का जो खाने की जो चीज़ें हैं जैसे कि ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, न्यूट्रिशंस बहुत कम जा रहा है और सिर्फ आप दूध दे रहे हैं, बच्चे खाना नहीं खा रहे, तो सोचा अच्छा चलो एटलीस्ट दूध तो पीते हैं, दूध पिला दो पेट तो भर जाएगा। प्लीज़ चेंज कर लें अपना ये थॉट, क्योंकि ये करने से बच्चों के अंदर आयरन की कमी बहुत जल्दी आ जाएगी। यस फ्रेंड्स, अगर हम हर एक बच्चे के एज के अकॉर्डिंग उनको कितना दूध देना है वो डॉक्टर्स एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उससे ज़्यादा बच्चों को दूध दे रहे हैं और खाने के लिए उतना नहीं जा रहा उनके बॉडी में जितनी उनको ज़रूरत है, पेट भरने के लिए दूध पे दूध पी रहे हैं बच्चे, तो बच्चों का आयरन लेवल बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा। सो अवॉइड करें बिल्कुल इस चीज़ को, पेट भरने के लिए हर बार दूध बिल्कुल मत दीजिएगा, खाना नहीं खाते हैं, ट्राई डू सम टिप्स, मेरी एक वीडियो भी है कि बच्चों को खाना कैसे खिलाना है उसके ऊपर, अगर आपको पसंद आए तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, उसे ज़रूर देखिएगा, कुछ आइडियाज़ तो शायद मिल जाए। जो भी वीडियोज़ है मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाया है, इनफैक्ट ये जो वीडियोज़ है ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाई हूँ, पर्सनली जब मैं अपने बच्चे के साथ फेस कर रही हूँ और मैं जब डॉक्टर के पास जाती हूँ वो जो मुझे एडवाइस करते हैं, जो मेरे पास रिसर्च पेपर्स जो मेल्स आते हैं बच्चों से रिलेटेड, मैंने कुछ साइनअप्स किए हुए हैं किसी किसी साइट्स पे, तो वहाँ से जो मुझे इंफॉर्मेशन आते हैं वो सब इकट्ठा करके मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। तो इसलिए वो है कि ये ज़रूर वर्कआउट होगा क्योंकि ये ट्रायल एंड टेस्टेड है अब मेरे खुद के बच्चों पे, तो ये चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ। तो लास्ट टाइम जब पहली बार जब मेरे बच्चे के अंदर आयरन की कमी हुई थी उस समय छोटा था, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब ही वॉज़ अराउंड 1 ईयर ओल्ड और वो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना था, तब हमें पता चला कि बिकॉज ऑफ ओवर मिल्क की वजह से उसका आयरन लो हुआ है और ये बहुत होता है। ये डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत कॉमन है, पेरेंट्स हमेशा ये करते हैं कि हम लोग बच्चे खा नहीं रहे हैं तो दूध ही पिला दो यार, एटलीस्ट दूध ही पी ले पेट तो भर जाए, ऐसा सोच के हम लोग दूध देते जाते पर वो बच्चों में आयरन की कमी करता है। तो अवॉइड दिस ओवर ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क, ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क, आप इसे ज़रूर अवॉइड करें। और चलिए फटाफट अब बताती हूँ कि आयरन का अच्छा सोर्स क्या है। उससे पहले कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे कि एक रिसर्च आया था जिसमें पाया गया था कि 20% ऑफ किड्स एज अराउंड 1 to 3 जो है उनको आयरन बहुत कम मिलता है, तो 1 से 3 साल के बीच का जो एज होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया गया था उस रिसर्च में जो रिसेंटली मेरे पास एक लेटर आया था उसमें बताया गया था कि 20% ऑफ किड्स के अंदर ये चीज़ की कमी पाई गई है। तो उसका रीज़न होता है क्योंकि बच्चे नया नया खाना शुरू करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ज़्यादातर दूध पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूध देने से वो एक प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉपर खाना नहीं जाता, प्रॉपर डाइट नहीं फिक्स होता उनके लिए, तो उसकी वजह से आ जाता है उनका नैप टाइम, उनका उठने का टाइम सब कुछ अलग होता है, उसके हिसाब से हमें उनका फूड रूटीन भी बैलेंस करना होता है जो हम नहीं कर पाते, कभी मिस कर देते हैं, उसकी वजह से भी उनके अंदर आयरन की कमी आ जाती है। प्लस जो बच्चे थोड़े ओवरवेट होते हैं उनके अंदर भी आयरन की कमी पाई गई है। जो बच्चे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, तो प्रॉपर डाइट नहीं होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स बहुत पुअर होता है, न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी हो जाती है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में नहीं जाते जो हमें चाहिए, जो एक बच्चे को उसके ग्रोथ के लिए चाहिए, वो कमी होने से, लो होने से भी आयरन की कमी आती है। तो
ऑब्वियसली इट्स हमें आयरन बच्चों को फुलफिल रखना चाहिए, उन्हें एनर्जेटिक बनाने के लिए. जब बच्चों के अंदर आयरन की कमी होती है ना, तो बच्चे कुछ भी उठा के माउथ में डालते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसके लिए, जब आपको लगे कि आपका बच्चा कुछ भी उठा के माउथ में डाल रहा है, हर चीज़ें माउथ में डाल रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसके अंदर आयरन की कमी हो रही है, तब वो ऐसी हरकतें करता है. सो 1 to 3 ईयर एज एक और रीज़न है कि जो बेबीज जब बॉर्न होते हैं तब उनके अंदर वो आयरन स्टोर करने का जो पीटर होता है वो नहीं आता एक्चुअली. तो बच्चे जब 6 मंथ के हो जाते हैं तो 6 मंथ के बाद उनके अंदर आयरन स्टोर करने का पीटर डेवलप होता है, और तभी हम लोग इसलिए तब बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया जाता है. नॉर्मली 6 मंथ के बाद हम उसे फूड खिलाना शुरू करते हैं, वो भी पहले हम डायल्यूटेड लिक्विड फूड देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा सा स्ट्रांग फूड देते हैं. तो वही रीज़न है. प्लस बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लोली स्लोली डेवलप होता है, तो अकॉर्डिंग टू एज उनका सिस्टम डेवलप होता है और वो खाने को डाइजेस्ट करने का क्षमता उनका बढ़ता है. तो ये सब रीज़न है हम धीरे धीरे देते, पर वही सही टाइम पे जब उनको आयरन स्टोर करने का उनके बॉडी में कैपेसिटी आ जाती है, उस टाइम में जब हम अच्छा खाना नहीं देते हैं, अच्छा आयरन नहीं प्रोवाइड करते, तो आयरन की कमी हो जाती है बच्चों में. तो हमारे, चलिए बताती हूँ कि एक अच्छा आयरन सोर्स फूड क्या क्या है. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बच्चों को श्रिम्प खिलाएं, श्रिम्प में बहुत अच्छा आयरन का सोर्स पाया जाता है. और आप उन्हें चिकन खिला सकते हैं, चिकन में भी प्रोटीन के साथ साथ आयरन. चिकन हाई प्रोटीन फूड माना जाता है, लेकिन साथ में उसमें आयरन भी अच्छा क्वांटिटी में पाया जाता है. प्लस बीन्स, अगेन आपको बता रही हूँ, बीन्स में आयरन अच्छा है. बीन्स हमारे पास सिर्फ फाइबर को ही फुलफिल नहीं करता, हमारे बॉडी में आयरन को भी फुलफिल करता है. लेंटिल्स मतलब दाल हो गए, चना हो गया, राजमा हो गया, वो सब भी हमारे बॉडी में अच्छे से आयरन को फुलफिल करता है. उसके अलावा सोया नट्स आप बच्चों को खिला सकते हैं, उसमें भी अच्छा आयरन पाया जाता है. रेजिन्स मतलब किशमिश में भी बहुत अच्छा आयरन पाया जाता है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. होल व्हीट ब्रेड आप बच्चों को दे सकते हैं, उसमें भी अच्छा आयरन पाया जा सकता है. होल व्हीट ब्रेड में भी अच्छा आयरन मिलता है, वो भी आप बच्चों को खिलाइए. तो ये कुछ सोर्स थे आयरन के जो जिसके थ्रू बच्चों के अंदर अच्छा आयरन जाएगा. तो ये थे आज का वीडियो, 5 फूड 5 पावर फूड फॉर किड्स. तो ये 5 पावर फूड बच्चों के अंदर ज़रूर जाना चाहिए. मेक श्योर, मेक अ डाइट कि उनको प्रॉपर अमाउंट में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हों, ये सारी चीज़ें उनके अंदर जाएं और उन्हें एक हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ प्रोवाइड करें. सो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स विथ माई चैनल, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर करना भी ना भूलें. अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. स्टे कनेक्टेड, थैंक यू. फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ रिलेटेड विद किड्स एंड आवर हेल्थ.